ज्यादातर लोगों का यहाँ पर साथ नाम ले चुके हैं, जहां पर उत्तरी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हैं, सबको इस गर्मी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहां पे मुझे हर कास्ट के लोग दिख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से बाबा साहब के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय हुआ है, उनको केवल दलित समाज का ही नेता बनाकर लोगों ने छोड़ दिया। बाबा साहब का कद बहुत बड़ा था, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में किसी एक जात के नेता नहीं थे। उन्होंने दलित समाज की पीड़ा के बारे में जो भी बातें करी वो इसलिए नहीं करी कि उनको दलित समाज को वोट बैंक बनाना था, वो इसलिए करी क्योंकि वो समस्याएं थी। जब वो स्कूल में पढ़ते थे मऊ की छावनी में, तो जिस स्कूल में वो जाते थे वहां पर उनको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, क्लास के बाहर बोरे में बैठना पड़ता था और कंडीशन थी कि वो बोरा खुद लाए और खुद लेके जाए, और अगर वो बोरा नहीं लाए थे तो जमीन में बैठना था, उनको कोई चीज उपलब्ध नहीं होती थी, और जो पीने के पानी की सुराही थी उसको टच करना अलाउड नहीं था। जिस दिन प्यून नहीं आता था उस दिन उनको पानी नहीं मिलता था। ये उन्होंने बाबा साहब ने अपनी किताब एनहाइलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है, थोड़ा मजाक करके उन्होंने अपनी पीड़ा को लिखा है कि नो प्यून नो वाटर। टीचर कहती थी नो प्यून नो वाटर, जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन आपको पानी नहीं मिलेगा। तो ये सब पीड़ा उन्होंने बहुत कम उम्र से देखी। एक छोटा बच्चा सोचिए तीसरी चौथी क्लास का रहा होगा जब उसके साथ ये सब हुआ, लेकिन बाबा साहब संघर्षशील व्यक्ति थे और उनको कुछ अच्छे गार्जियन मिल गए। मुख्य रूप से उनका जीवन में मराठाओं की जो मुख्य पांच पीढ़ी हैं उनमें से गुजरात के पीठ के जो मराठा थे, गायक बड़ौदा के राजा गायकवाड़,